हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक इज व्हाट फाइव पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो वो है जैन मंदिर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है किस सूची में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? वो है चिनूक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो उन्होंने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो करता है बुध ग्रह। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप पड़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा हो जाता है? तो इसका जो प्रकाश का वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अगर हम इसकी बात करें तो राज्यों के संघ की। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और टैक्स से, वो हमें बताना है तो वो है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो ये रोग उत्पन्न हुआ था पारा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किन देशांतरों के बीच स्थित है? बिहार किन देशांतर के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 38 डिग्री से 1950 से 1740 पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है?
तो अधिकतम भार की बात करें तो वो होता है धरातल पर। नेक्स्ट है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने तक हो सकती है, तो वो हो सक इसके लिए कोई भी निश्चिंत नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है ये सारे, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो बनाया गया था 143 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल का मतलब है अनंत रूप से संघन पिंड, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्या है, तो वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट है, तन्य की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, गन्ना उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है सीसा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन चलते हैं कहां पर, तो वो चलते हैं मिसिपिटी घाटी में, ऑप्शन डी राइट है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वहां पे उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह कौन है, तो वह है सांची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो वह है कोयला, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है, तो ये आती है चावल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो इसका परिणाम की बात करें तो ये इसका समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब पानी बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ जाएगा, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सभी ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था, तो पत्र मुद्रा चलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा,
कोई टॉपिक हो या कोई आप कंटेंट चाहते हैं कि उसको दोबारा से रिपीट करें, वैसे ऑलरेडी मैं सारा कंप्लीट करा चुकी हूँ कोर्स, तो आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने कोर्स कंप्लीट कराया था, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे। तो अगर आप वो सब वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 20-day सीरीज देखना मत भूलेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।